बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में। दोस्तों हम बात करें, अगर विमि विधि के द्वारा आपको बताना है कि डाइन को न्यूटन में परिवर्तित कीजिए, तो सिंपली से यही फार्मूला आपको यूज करना है, N2=N1m1/m2^L1/L2^b और T1/T2^c। ये आपका फार्मूला हुआ। यहाँ पर क्या हो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि जब क्वेश्चन आपको देखेंगे इस फार्मूले को आप पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा है उसको क्या लिखना होगा, विमि सूत्र। यहां बल पूछा है तो बल का आपको पहले विमि सूत्र, बल का फार्मूला क्या होता है, बल बराबर F इंटू ए, आपका F बराबर M इंटू ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण आपका होता है, तो M का क्या होता है, कैपिटल M हो गया विमि सूत्र का, और A का क्या होता है, LT माइनस 2। हमने आपको बार बार कहा है कि आपको छोटे से जो विमि सूत्र के फार्मूला है उनको जरूर रखें, जैसे वेग का हो गया, त्वरण का हो गया, बल का हो गया, इन सब का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका त्वरण का क्या होता है, LT माइनस 2, वेग का LT माइनस 1, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, MLT माइनस 2, ये किसका हो गया, विमि सूत्र बल का। अब इससे क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको फिर एक ऐसे ही लिखना है, MALLBTC, ऐसे ही आपको लिखना होगा, और इससे क्या करना होगा, इसको तुलना करना होगा, उसके क्या, क्यों, चूंकि आपको A और B C की वैल्यू निकालना है, आपको यहां पर पुट करना है, कुल मिलाकर यहां पर पुट करने के लिए A B C पुट करना है, इसलिए हम A B C की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला स्टेप है आपको कार्य बल है, तो बल का विमि सूत्र, बल के विमि सूत्र के बाद सेम वैसे ही आपको ऐसे लिखना है एम एल टी के फॉर्म में, बस A B C लिखना है, उससे तुलना आपको करना है, फिर आपको A B C की वैल्यू आई, जैसे यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू माइनस 2, यहाँ जो पावर में होगा वही आपको A B C की वैल्यू होगी। उसके बाद क्या करना है, आप जानते हैं बल का जो डाइन का मात्रक होता है, डाइन मात्रक होता है बल का, वो CGS प्रणाली में होता है, और न्यूटन होता है बल का, वो MKS प्रणाली में होता है। तो दोस्तों हम चेंज करने वाले हैं, तो आप देखिए पहले N1 की वैल्यू हमको, आपको क्या लेना है, 1 लेना है, N2 की वैल्यू आपको निकालना है, M1 का वैल्यू किलोग्राम में होगा, जो CGS प्रणाली में होता है वो ग्राम में होता है, जो MKS में होता है वो किलोग्राम में होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि M1 का हो गया, तो अब L1 का क्या होगा, वो सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा, ये T1 सेकंड में होगा, ये भी सेकंड में होगा, सेकंड आपका सेम होता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब क्या है, वो समीकरण एक जो फार्मूला था उसको समीकरण एक यहाँ माना गया है, वहीं पर रखने पर, ठीक है। तो N2 बराबर क्या है फार्मूला, N2 बराबर N1 की वैल्यू आपको पहले ही हमने बताया 1 हो जाता है वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसका 1 होता है, 1 कर दिया जाता है, N2 बराबर N1 का 1 हो गया, ऊपर क्या रखा जाता है, M1 अपान M2, M1 क्या होता है, ग्राम वाला जो होता है आपका, CGS वाला ऊपर होता है और MKS वाला नीचे होता है, ठीक है। तो ग्राम बटे किलोग्राम, सेंटीमीटर बटे मीटर, सेकंड बटे सेकंड, तो सेकंड सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा, और आगे कैसे ये कैंसिल होगा, इसको क्या करना होगा, यहाँ पर ग्राम दिया है, यहाँ किलोग्राम दिया है, तो 1 किलोग्राम बराबर आपका क्या होता है, 1000 ग्राम, 1000 आपका क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसी को लिखते हुए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/1000/1/10^100 आपका हो जाएगा, चूँकि यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटी से मीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/10^5, और फिर इसको लिख सकते हैं आप 10^-5। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका एक डाइन इक्वल 10^-5 न्यूटन होता है। दोस्तों जिसको हम निकालते हैं, जैसे आपका डाइन से चेंज किया जा रहा है, N2 जो निकाला जा रहा है वो यहाँ पर इधर डाइन लिखेंगे, ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम किधर डाइन लिखें, किधर न्यूटन लिखें, तो ये आप बिल्कुल कन्फ्यूजन से दूर रहें कि आपको जो ये सोल्यूशन आप करते हैं, ठीक है, तो आपका वो CGS इक्वल MKS लिखा जाता है, ठीक है, इधर आपका CGS होता है और इधर आपका MKS होता है। आप जानते हैं MKS क्या है, बल का न्यूटक, MKS में ही है न्यूटन और CGS में डाइन होता है, तो एक डाइन इक्वल 10^-5 न्यूटन होता है। अगर दोस्तों इसी में आपसे पूछ ले कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक न्यूटन बराबर आपका हो जाएगा 10^5 डाइन। क्यों, चूंकि आपका दोस्तों ये 10^-5 है, ये आप इधर भेज सकते हैं, ये कैसे, इसको लिख सकते हैं 1/10^5, और आप सिंपली इधर भेज देंगे तो आपका एक इधर इधर कोई बचेंगे ना, इधर ओनली न्यूटन बचेगा, तो आप कह सकते हैं 1 न्यूटन = 10^5 डाइन, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दोस्तों, आप क्लियर समझते रहिए, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसी में कि
गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो विमी विधि द्वारा इसका मान किलोग्राम प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको चेंजिंग का कोई आता है विमी विधि द्वारा, तो आपको यही फार्मूला मैं आपसे कर रहा हूँ, इस फार्मूले का आप जरूर याद रखिए। एन टू इक्वल टू एन वन एम वन अपान एम टू के होल पावर ए, एल वन अपान एल टू के होल पावर बी, टी वन अपान टी टू के होल पावर सी, ये आपका इक्वेशन नंबर वन होता हुआ। ठीक है, अब दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको तीन क्वेश्चन इसलिए बताया कि आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन इसके आधार पर लगा सकें। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन का हम यही बताएं कि इसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको पहला जो दिया गया उसको विमी सूत्र, यहाँ दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, तो गुरुत्वीय त्वरण का आपको लिखना होगा। दोस्तों त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, सबका क्या विमी सूत्र सेम होता है। तो इसका क्या होता है, जैसे गुरु आपका त्वरण का होता है एल टी माइनस टू, तो आपका इसका भी गुरुत्वीय त्वरण का भी एल टी माइनस टू होगा। बस आपको यहाँ ऐसे लिखना है एम जीरो एल टी माइनस टू, चूँकि आपको इससे कंपेरिजन तुलना करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपका दोस्तों एम जीरो एल टी माइनस टू होगा, तो यहाँ पर एम का पावर कितना है, जीरो। ठीक है, तो ए की वैल्यू ए का मान कितना हो गया, जीरो, और दोस्तों बी का पावर कितना है, वन है, क्योंकि एल यहाँ पर बी है और एल का पावर कितना है, वन है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, वन। और दोस्तों आगे बात करें अगर सी की, तो सी का पावर कितना है, सी की पावर कितना है, मतलब टी का पावर में कितना लिखा, माइनस टू, तो सी की वैल्यू कितना आ गई, माइनस टू। तो इस प्रकार आप दोस्तों तुलना करके आपको सेम ऐसे ही लिखना है, और उसके बाद इसको तुलना करना है, ए बी सी की आपको वैल्यू निकालना है। जब आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सिंपली उसी फार्मूले में आपको पुटअप करना है, जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अतः समीकरण एक से जो आप समीकरण एक उस फार्मूले को माने थे वहाँ पर आपको रखना है। एन वन की वैल्यू क्या करना है, आपको हमने बता ही दिया है कि एन वन की वैल्यू आपको दोस्तों n1 की वैल्यू मैक्सिमम में वन होती है, लेकिन आपको n1 की वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपको n1 की वैल्यू वहां पर दिया गया है, दिया का मतलब है जैसे MKS पद्धति में ये दिया है दोस्तों, MKS पद्धति में इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने आपको उठाया आपके लिए कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, कन्फ्यूजन हो सकती थी N1 और N2 को पुटअप करने में। दोस्तों अगर आपका MKS प्रणाली में जो दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई है, तो आपका उसका क्या होगा, N1 की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया गया है, तो उसका वैल्यू क्या मानेंगे आप, वन मानेंगे, अगर दिया है तो आपको रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर N1 की वैल्यू 9.8 दी गई है, इसलिए पहले आपको फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया है N2 इक्वल N1, आपको M1 अपान M2 इसकी पावर जीरो क्यों की है, चूंकि इसकी पावर A है, तो A की वैल्यू कितना है, जीरो। इसी प्रकार आपका B की वैल्यू वन और C की वैल्यू माइनस टू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको हल करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, N2 इक्वल टू N1, आपका M1 का क्या होता है, जीरो है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये पूरा पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाता है। L1 अपान L2 के होल पावर वन, T1 अपान T2 होल पावर टू, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं क्या। अब दोस्तों आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको दिया है जैसे कि N1 इक्वल टू 9.8, MKS प्रणाली का 9.8 दिया है, L1 आपका 1 मीटर है, T1 आपका 1 सेकंड है, N2 आपको निकालना है, L2 1 किलोमीटर है और T2 आपका 1 मिनट है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, आपको इसी फार्मूले में आपको पुट करना होगा। कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं N2 है, N1 की वैल्यू हमने आपको क्या बताया, वो आपको MKS में 9.8 आपको दे दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पुट कर देना होगा। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या है कि ऊपर हमने बताया आपको, ऊपर जो रखना है, ऊपर आपको क्या रखना है, वो आपको दिया गया है इसमें, यहाँ ऊपर मीटर में रखना है, अर्थात आपको जो कम है उसको ऊपर रखना है, ज़्यादा को नीचे। आप जानते हैं जो किलोमीटर है वो मीटर से ज़्यादा होता है, तो मीटर को ऊपर, कम वाले को ऊपर रखना है, ज़्यादा वाले को नीचे। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो जो कम होता है उसको ऊपर रखा जाता है और ज़्यादा होता है उसको नीचे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं एल वन है, तो यहाँ पर एल वन का कितना है, मीटर में है, एल टू का क्या है, किलोमीटर में है, तो एल टू का क्या, नीचे रखा गया है, सेकेंड है, मिनट है, सेकेंड क्या है, कम होता है मिनट से, तो सेकेंड ऊपर रखा गया और मिनट नीचे रखा गया। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर से आपको रखा गया। ठीक है, L1 T1
L1 की वैल्यू क्या है मीटर में, तो मीटर। L2 की वैल्यू चूंकि यहाँ पर L2 है तो L2 की वैल्यू क्या है एक किलोमीटर रखा गया है। और T1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, T1 का वैल्यू सेकंड है, T2 का वैल्यू मिनट है। तो T1 यहाँ आपका ऊपर होता है तो T1 का वैल्यू सेकंड हो गया, T2 का वैल्यू नीचे होता है तो आपका मिनट हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप समझ रहे हो दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मैं अभी तक ये फर्स्ट पार्ट है, इसके और भी पार्ट जल्दी में लाने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों आपका केमिस्ट्री और ईडी की भी क्लासेस जल्दी मतलब आप इसका वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ठीक है दोस्तों, 9.8 इसका हो गया, एक मीटर हो गया। एक किलोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आप यहाँ रख सकते हैं क्या, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो आप यहाँ पर चूंकि आपको दोस्तों इसको कैंसिल करना है, आप विशेष ध्यान रखिए आपको क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में बनता है कि क्यों लिख रहे हैं। तो आपको इसको कुल मिला के कैंसिल करना है, तो मीटर मीटर से कैंसिल, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम ऐसा यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया, तो आप 1000 नीचे यहाँ पर आप लिख दिए, 9 पॉइंट आपका यहाँ हो गया, और ये आपका 60 × 60 है। ठीक है, 60 × 60 है, 1/60 है, ये आपका t-2 है। ठीक है, जब इसको आप ऊपर लाते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, इसीलिए आपको ऐसे लिख सकते हैं 9.8 × 60 आपका कितना हो गया, 60 × 60/1000। अब दोस्तों आप कुछ सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ये 10 है, ये 6×36 और 9.8 को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 35.28 किलोमीटर प्रति मीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर आपका क्या आएगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों जो आएगा N2 की वैल्यू आएगी, जो आपको निकाला गया फार्मूले के लिए, क्या निकाला गया, विमी सूत्र का मान निकाला गया किलो प्रति मीटर किलो प्रति मिनट स्क्वायर में, चूँकि आपका यहाँ जो था वो मीटर सेकंड स्क्वायर में था, हमने यहाँ निकाला किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, किसका, जी का मान। दोस्तों आगे हम बात करें, अगर अगला क्वेश्चन ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें कि आप जांच करके बताइए, सत्यता की जांच करके बताइए किसके आधार पर, विमी विधि, डायमेंशनल आपको जो प्रोसेस है आपका मेथड है इसके आधार पर आपको बताना है कि ये सत्य है। आपको ये देख रहे होंगे यह फार्मूला आपको दिया है, वी इक्वल टू आप जानते होंगे वेग का फार्मूला है, आप दोस्तों जानते होंगे कि आपको तीन फार्मूले हैं, वी स्क्वल टू यू प्लस ए टी, या आपका एस स्क्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तीन फार्मूले होते हैं, गति के तीन फार्मूले होते हैं। तो ये पहला फार्मूला है, इसको आपको चेक करना है, सत्यता की जाँच करना है किसके आधार पर, विमी विधि आधार पर, कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको किसके, विमी विधि का, तो आपको पहले बायां पक्ष देखना होगा फिर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की विमा देखनी होगी। तो हम आइए विमा लिखते हैं, हमने आपको बता दिया विमा आपको कैसे लिखना है, तो आप बिल्कुल सिंपली आपको विमा लिखना है। दोस्तों आप कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो आपका भी हौसला बढ़ेगा, हमारा भी हौसला आपको पढ़ाने के लिए बढ़ेगा, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर इसका वेग का बात करें तो वेग का फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया कि वेग का जो होता है, वेग बराबर अगर सिंपल बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, और विस्थापन का आपका यल मतलब दूरी का यल होता है और समय का टी होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। और दोस्तों हमने आपको बताया कि सिंपल जो छोटे छोटे इनको आप जरूर याद रखिए, एल टी माइनस वन आपका वेग को हो गया, एल टी माइनस टू आपका त्वरण का हो गया, ऐसे सिंपल से आप याद रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप बाएं पक्ष की बात करें तो आपका वी क्या है, वेग है, तो वेग का आप लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन, तो ये आपका हो गया बाया पक्ष। क्या हो गया दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा बायां पक्ष हो गया। और दाएं पक्ष की बात करें तो दाएं पक्ष में आपको सिंपल सबको लिखना होगा u, u का क्या होता है, ये भी वेग है, तो सेम वही होगा m0 lt-1, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा। उसके बाद a इंटू t है, a क्या है आपका त्वरण है, त्वरण का हमने आपको बताया एल टी माइनस टू होता है, तो इसको लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस टू। ठीक है, और दोस्तों आगे आपको दिया है टी, टी क्या है समय, तो टी का होता है आपका कैपिटल टी, तो एम जीरो एल जीरो टी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ ऐड का पॉइंट दिया है कि ये भी आपको समझाने वाले हैं क्या ये विमी सूत्र जुड़ते हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको हल करते समय आपको ये जोड़ देते हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये तो आपका सिंपली ये साइड में कुछ भी आपको नहीं करना, बायां पक्ष आपको सिंपली लिखते जाना है। दायां पक्ष की बात करें तो आपको ये भी है, ये पॉइंट आपको लिख सकते हैं, ये पॉइंट जो है आपको इसके मल्टीप्लाई होगा, तो एम जीरो होगा एल जीरो
आपका एक जीरो है एक वन है तो एल लिख दिया जाएगा, टी माइनस टू है तो टी है, यहाँ पर टी माइनस वन लिख दिया जाएगा, माइनस वन यहाँ है यहाँ प्लस वन है इसलिए माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आपका ये जुड़ता है, तो आपका सिंपली जुड़ता है, ठीक है, ये जुड़ता है, लेकिन आपका विमीय सूत्र जो होता है अगर सेम रहेगा तभी आपका ये जुड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विमीय सूत्र सेम कैसे, m0 lt-1, m0 lt-1, ये दोनों क्या हैं, सेम है, इसीलिए यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 2 into m0 lt-1। अब आप देख रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि जो आंकिक मान है आपको 2 है, 1 by 2 है, 3 है, root 3 है, ये कोई भी वैल्यू है, इसका यहाँ पर कोई भी मतलब विमीय सूत्र में नहीं होता है। विमीय सूत्र में ओनली मूल राशि से मतलब होता है और आपके आंकिक मान से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप ये ना देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 नहीं है तो ये आपका गलत है, बिल्कुल नहीं गलत, ये बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर 2 का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। विमीय सूत्र में आंकिक मान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो इधर आप देख रहे हैं m0 lt-1 है, इधर m0 lt-1 है, अतः ये क्या है, ये फार्मूला आपका सत्य है। आपको भी पता था ये फार्मूला करेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर विमीय सूत्र के आधार पर, विमीय विधि के आधार पर बताना था। इस समीकरण के दोनों पक्ष एम एल टी के और उनकी विमा समान है, अतः यह समीकरण क्या है, विमीय दृष्टि से सत्य है। ये क्या है दोस्तों, विमीय दृष्टि से सत्य है। अगले क्वेश्चन की इसी में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, टी इक्वल टू टू पाई एल बाई जी आपको दिया गया है, क्या दोस्तों, टी बराबर टू पाई एल बाई जी के, सत्यता की जांच विमीय विधि द्वारा कीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं टी बराबर टू पाई, अंडर रूट एल बाई जी नहीं लिखा है, यहां एल बाई जी लिखा है। तो आपको पहले क्या करना है, हमने बताया कि विमीय सूत्र लिखना है किसका, बायां पक्ष का अलग, लेफ्ट हैंड साइड का अलग और राइट साइड का अलग। तो बायां पक्ष का विमा और दाएं पक्ष की विमा आपको लिखना होगा। तो बायां पक्ष आपका यहां पर ये है टी, तो टी की विमा लिखना है, और इधर आपको जो दिया गया इसकी विमा लिखना है। तो दोनों पक्षों में क्या है, और यहां पर एक पॉइंट और समझिए, टू पाई विमाहीन राशि है। हमने आपको बताया कोई भी आंकिक वैल्यू है उसमें कोई राशि में मतलब कि विमा उसकी नहीं होती है, ठीक है, भौतिक राशियां जो है मूल राशियां उन्हीं की विमाएं होती हैं। अब दोस्तों दोनों पक्षों के क्या है, विमीय सूत्र लिखते हैं। तो विमीय सूत्र आप लिखेंगे टी का क्या होता है, एम जीरो एल जीरो टी, ये हो गया बाएं पक्ष का। इसकी बात करें तो टू पाई की कोई विमा नहीं होती, एल की क्या होती है, एल मतलब लेंथ है आपका, यहाँ पर उसकी एल होती है, तो एम जीरो एल टी जीरो, ये आपका हो गया L का। और दोस्तों आगे हम बात करें अगर G माइनस वन की, तो G क्या है आपका, त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण है, हमने आपको बताया त्वरण कोई भी हो आपका LT टी माइनस वन ही, LT टी माइनस टू ही इसका फार्मूला होता है। तो LT टी माइनस टू इसका फार्मूला होता है, और इसका होल पावर कितना करेंगे, LT टी माइनस टू इसका होल पावर आप करेंगे माइनस वन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस वन टी प्लस टू, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं m0 lt-2 के होल पावर माइनस वन है, इसको हमने क्या लिखा, m0 lt-1 इसका पावर में माइनस वन, इसलिए माइनस वन हो गया, ये माइनस टू है, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस टू हो जाएगा, तो m0 l-1 t-2। अब दोस्तों यहाँ पर इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस वन है, l की पावर कितना है प्लस वन है, और यहाँ आपका माइनस वन है, तो ये दोनों जब इंटू होंगे तो इनकी घातें जुड़ेंगी तो एल की पावर क्या हो जाएगा जीरो। उसी प्रकार यहाँ उसी पर आप देख रहे हैं कि एम की पावर जीरो हो गया, एल की पावर भी जीरो हो गया, और टी की पावर टू बचा है। और आप एक भी देख रहे हैं कि इधर आपका टी की पावर वन है, यहाँ टी की पावर माइनस टू है। तो आप समझ सकते हैं ये विमीय सूत्र आपका गलत है, अर्थात विमीय सूत्र के आधार पर आपका जो फार्मूला है वो आपका गलत है। इस समीकरण के दोनों पक्षों में दोनों पदों की विमाएं समान नहीं है, अतः समीकरण असत्य है। आप इससे समीकरण की जांच कर सकते हैं कि हम जो फार्मूले का यूज कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। क्योंकि आप बहुत से समय जब फार्मूले का यूज करते हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है कि इसमें रूट होगा कि इसमें आपका स्क्वायर होगा, तो उसको आप इसके द्वारा जाँच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और बनता है, वो भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि वी समान चाल से इसमें क्या होता है, आपको दोस्तों दिए जाते हैं पॉइंट, दिए जाते हैं मतलब आपको बताया जाता है, जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, रेडियस दी गई है, द्रव्यमान दिया गया है, अब केंद्र बल दिया गया है, और अब इसको आप
फार्मूले का निगमन करना है किसके आधार पर, विमी विधि के आधार पर। चूंकि आपका मात्रक और विमा ये चैप्टर ही है तो इसमें आपको विमा की ही बात की जाएगी। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका है कि वी समान चाल से आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि में एम द्रव्यमान के पिंड की वित्तीय गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए विमी विधि द्वारा सूत्र का निगमन कीजिए। अर्थात यहाँ आपको अभिकेंद्र बल का ही फार्मूला आपको निकालना है। आपको वैसे अभिकेंद्र बल का पता होगा फार्मूला, लेकिन आपको यहाँ पर आपको निकालना होगा कि फार्मूला कैसे होता है, किसके आधार पर, विमी विधि के आधार पर विमा लिखकर। ठीक है, अब दोस्तों हम बातें हैं कि माना कि वी समान चाल से आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि में एम द्रव्यमान का, मतलब आर है ये आपका गोलाई पे है, आर समान वी समान त्रिज्या से, इसका रेडियस आर है, समान चाल से ये आपका घूम रहा है। ठीक है, किसमें, एम द्रव्यमान का पिंड आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर घूम रहा है। तो आवश्यक जो बल है अभिकेंद्र बल, चूंकि आप जानते हैं जब कोई भी किसी पॉइंट से चारों तरफ घूमता है तो उस पर क्या लगता है, वो एक अभिकेंद्र बल लगता है, अंदर की ओर आपका क्या लगता है, अभिकेंद्र बल। दोस्तों आगे यह फार्मूला क्या निकलता है हम आपको ये भी बताने वाले हैं, वैसे आपको सभी फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो वी की घात ए होगी, एम की घात बी होगी, सी की घात आर की घात सी होगी। हमने आपको जैसे बताया वहाँ एम एल टी की पावर ए बी सी रखते थे, वहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो पॉइंट आपको राशि दी गई, जैसे द्रव्यमान दिया गया, रेडियस दिया गया, वेग दिया गया, उसकी पावर में ए बी सी आपको रखना है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कि आप ए उसको रख सकते हैं बी उसमें, इसमें जैसे दर्शाया गया है कि आप वी की पावर ए, ये कोई कंफर्म नहीं कि आप ए वी की पावर ए ही रखेंगे, एम की पावर बी, आप किसी का ऊपर किसी भी को रख सकते हैं, एम को आगे बी को पीछे रख सकते हैं, वो आपको जो वैल्यू निकलेगा वहाँ जब कैलकुलेशन होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, आप किसी की पावर में ए बी सी लिख सकते हैं, आप ए के ऊपर सी की या एम के ऊपर सी की कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका ये क्या होगा कि एम एफ समानुपाती, आपका जिसको फार्मूला जैसे अभिकेंद्र बल है तो आपको अभिकेंद्र बल को एक साइड रखना है और उसको समानुपाती का चिन्ह लगाना है। और दोस्तों फिर आपको वी है, एम है, आर है, ठीक है, सबको ऊपर ही लिखना है, कोई को नीचे अपान में नहीं लिखना है। ठीक है, वी एम आर आपको लिखना है, उसके बाद समय ऐसे सिंपली ए बी सी लिखना है, इधर समानुपाती एफ, ठीक है, तो एफ समानुपाती वी के पावर ए, एम के पावर बी, आर के पावर सी, ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या होता है अगला पॉइंट, आपको समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो इक्वल लिखते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो एफ इक्वल टू के वी के पावर ए, एम के पावर बी और आर के पावर सी हो जाएगा। अब दोस्तों हमने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था कि आपको फिर उसके बाद फार्मूला मिलता है तो आपको विमी सूत्र बस लिखना होगा, दोनों पक्षों तरफ क्या होगा, विमी सूत्र लिखने पर। तो एफ का विमी सूत्र आपको ये होता है, कैसे, बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, एम का वैल्यू कैपिटल एम हो गया, त्वरण का एल टी माइनस टू होता है, तो एम एल टी माइनस टू हो गया बल का। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर के की, के आपका कांस्टेंट है, उससे कोई आपका रिलेशन नहीं, वी क्या है आपका, वेग है, वेग का होता है एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन का होल पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों आगे बात करें हम एम की, तो एम का होता है कैपिटल एम, चूंकि मास है, इसका होल पावर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ही आपको लिखना है, कोई उसमें नहीं है तो उसकी पावर आपको जीरो कर देना है, बट आपको लिखना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, चूंकि किसी की पावर इसमें जीरो होती है और किसी की पावर उसमें वन होती है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किससे किसको मल्टीप्लाई या किसको किससे जोड़ना है। ठीक है, तो आगे दोस्तों आपको दिया गया है, अगर आर की बात करें तो आर क्या होता है आपका, रेडियस होता है, जो दूरी पर डिपेंड करता है, तो उसका क्या होता है विमी सूत्र में एल होता है, तो उसका आप एल के पावर सी लिखेंगे। ठीक है, एल के पावर क्या लिखेंगे, आपको सी लिखना होगा। तो आप समझ गए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम एल आपको लिखा गया है, एम जीरो एल टी माइनस वन के होल पावर ए, एम एल टी जीरो, यहाँ पर एम एल जीरो और टी जीरो के होल पावर बी, एम एल टी जीरो के होल पावर सी लिखा गया है। अब दोस्तों क्या करना होगा, यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको सिंपली जो ए है और बी है सी है अंदर पुटअप करना होगा। ए क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस ए हो जाएगा, बी है तो यहां चूंकि ये सब जीरो है तो जीरो होगा, एम के पावर बी होगा, टी के पावर आपका यहां पर जो होगा वो एल के पावर सी होगा, एल के पावर क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं एल के पावर सी होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पर चूंकि ये सभी मल्टीप्लाई में है, इंटू में है, तो सभी की घातें जो सेम सेम है, एम की जितनी घातें वो जुड़ जाएंगी, एल की जो घातें वो जुड़ जाएंगी, टी की जो घातें वो जुड़ जाएंगी। तो आपका एम में जो घातें हैं, तो आप एम में देख रहे हैं इसमें जीरो है, इसमें बी है और इसमें आपका
जीरो है, तो m का क्या आ जाएगा, m की पावर b आ जाएगी। और यहाँ पर देखें l की, तो l का पावर यहाँ a है, यहाँ जीरो है, यहाँ आपका c है, तो इसीलिए यहाँ पर l की पावर a प्लस c हो गया। मल्टीप्लाई में जो होती है दोस्तों, सेम सेम की ऊपर की जो घातें होती हैं ये जुड़ जाती हैं, विशेष आप ध्यान रखिए, ठीक है। और दोस्तों अगर टी की बात करें तो टी माइनस वन है, यहाँ टी जीरो है, यहाँ टी जीरो है, तो इसीलिए टी की पावर माइनस वन आ गया। आपको क्या करना है, अब आपका वो स्टेप आ गया जो आपको तुलना करना होता है। अब एम की वैल्यू यहाँ से आपको तुलना करना है, टी का यहाँ से तुलना करना है, और आपका टी का यहाँ से तुलना करना है, और आपका एल से इससे करना है, मतलब एल का एल से, एम का एम से, और टी का टी से, ठीक है। दूसरे का दूसरे से नहीं करना, सेम सेम जो है उसी से तुलना करना है। अगर आप एम से करेंगे तो आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन, चूंकि एम की पावर कितना है यहाँ पर, वन है, ठीक है। एल की और एल की बात करते हैं आप दोस्तों, आगे देख लीजिए, हमने आपको बता रहे हैं, आगे आप देखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों की बीमी तुलना करने पर आपकी बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, वन, और वहाँ पर आप तुलना करेंगे, यहाँ पर आप तुलना करेंगे, एल की वैल्यू है ए प्लस सी, क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू माइनस टू है, ठीक है, माइनस ए इधर है, टी माइनस टू है, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आपका टू आ जाएगा, माइनस वन इधर माइनस, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाए, ए की वैल्यू टू आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, चूंकि आपकी ए की वैल्यू टू आ गई और ए प्लस सी इक्वल आपका कितना दिया गया है, वन है, तो ए की वैल्यू टू है, तो टू प्लस सी इक्वल वन, तो सी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, सी इक्वल माइनस वन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको वैल्यू आप निकाल सकते हैं तुलना करके। यहाँ आप देख रहे हैं बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू आपकी टू है, और दोस्तों आपकी बात करें सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू माइनस वन है। आपको क्या करना होगा, आपको जो समीकरण आपने निकाला, इसीलिए आपको समीकरण निकाला गया कि आप आराम से पुट कर सकें। आपका फार्मूला था एफ बराबर के वी स्क्वायर, आपको कैसे आया, चूंकि वी की पावर ए था, एम के पावर वन था, और आर के पावर सी था, तो आप यहाँ रख सकते हैं वी की पावर पर ए, ए की वैल्यू कितना है टू, तो इसीलिए यहाँ पर वी की पावर टू रखा गया। एम के पावर क्या था, बी, तो बी की वैल्यू कितना निकाला गया, बी की वैल्यू आपने निकाला वन, ठीक है, तो b की वैल्यू आपने कहाँ रखेंगे, m के पावर में रखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर वन रखा गया। r की पावर करें c, c की वैल्यू कितना है, माइनस वन, तो यहाँ r की पावर कितना रखा गया, माइनस वन, ठीक है। इस प्रकार आप अब इसको हल करते हैं आप, तो देखिए दोस्तों आपका जो k था वो कांस्टेंट है, m को ऊपर रखना है, v क्या है ऊपर, v स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस वन है, इसको ले जाएंगे तो नीचे r हो जाएगा, और कांस्टेंट k हो गया, इक्वल f हो गया। तो आपको फार्मूला अब केंद्र बल का आपको पता भी होगा, k आपका है f बराबर k एम वी स्क्वायर अपान r। वैसे सिंपली फार्मूला आपका होता है f बराबर एम वी स्क्वायर अपान r होता है अब केंद्र बल का फार्मूला। यहाँ के कांस्टेंट है, इसका आप एक मान स्थिरांक प्राप्त करेंगे, जैसा कि आप देखते हैं प्रयोगों द्वारा, आपका प्रयोग द्वारा k का मान एक प्राप्त होता है, अगर अथा ये आपका जो फार्मूला होता है f बराबर एम वी स्क्वायर अपान r फार्मूला होता है। दोस्तों ये आपका जो ये आपको हमने पढ़ाया, ये इसमें बताया चैप्टर में, ये आपका पहले चैप्टर का दोस्तों, जो पहला चैप्टर आपका है मात्रक और विमा, मात्रक और विमा का ये पास फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी है, क्योंकि उसमें दोस्तों आपकी जो इरर्स हैं, त्रुटि है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हैं और फार्मूले हैं और दोस्तों इसके डिफिनीशंस हैं। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े दोस्तों। फिजिक्स की क्लासेस हो गए, केमिस्ट्री और ईडी की क्लासेस भी जल्दी दोस्तों आपके लिए ला रहा हूँ, आपको धैर्य रखना है, मैं आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट। और दोस्तों मैथमेटिक्स की आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप मतलब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या हमें इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैथमेटिक्स का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद।